ये सारा हमें वहाँ मिर्च मसाला लगेगा, क्योंकि ये न्यूज़ को एलजी साहब सब देखते हैं ना। फोटो का कहने एक फोटो भी ले लो भाई। यस सर। मैच मैल लिखो, इनको बोलो ये जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कल्चर्स हैं, जो इंडिया जो है इतना डाइवर्स है कि मतलब पूरा जिंदगी भर अगर घूमेंगे इंडिया तो भी नहीं घूमेंगे। तो लद्दाख मेरे लिए बहुत स्पेशल है पर्सनली। मैं इधर बहुत बारी आ चुका हूँ और मैं आता जाऊँगा, क्योंकि इधर जो है लैंडस्केप है, हाई ऑल्टीट्यूड है, ऐसी कोई जगह पूरे दुनिया में नहीं है। क्योंकि इधर जो आपको जो पोलो है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पोलो है, जो आपके घोड़े हैं, जो इनका स्टैमिना हाई ऑल्टीट्यूड घोड़े हैं, ये बहुत यूनिक है इधर। ये इंडिया के लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि द्रास में इधर लद्दाख में कि पोलो भी खेलते हैं। ये हमको भी नहीं मालूम था। हम जब अमीन सर से मिले 2020 में मिले थे हम, तो फिर उन्होंने बताया हमें, तो तब से हमारी बातचीत चल रही थी कि नहीं हम आएंगे कवर करेंगे। और अगर हम कवर करेंगे ना सोशल मीडिया में, अभी सोशल जो दिखता है वो बिकता है ऐसा बोलते हैं सोशल मीडिया पे, तो मतलब जो हम अगर दिखाएंगे लोगों को अच्छे तरीके से दिखाएंगे तो लोकल लोग के भी अच्छा होएगा। और आपका पोलो है जो आई ऑल पोलो इधर चलता है आपके लिए भी अच्छा होगा। सो जस्ट बेसिकली कलाबरेट कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट्स मुंबई से, लखनऊ से और पुणे से आए हुए हैं। साहब लोगों ने हमारे इस पोलो को यूट्यूब में देखा है तो इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट की। हम तेली साहब के बहुत मशहूर हैं कि इतने दूर दराज जगहों से इस फारफ्लंग एरिया पे आए और हमारे पोलो को रिवाइव करने में, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के टूरिज़्म को, यहाँ के रूट्स को ये डेवलप करने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पे साहब लोग आके, ये डाउन के रहने वाले हैं तो इस ऊंचाई पे आके इस पोलो को शूट करना बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ।